सक्षम हरियाणा अभ्यास प्रश्न पत्र जनवरी 2020 कक्षा 4 के लिए और विषय है हमारा परिवेश अध्ययन और इसमें 35 प्रश्न हैं और समय है 60 मिनट। चलो देखिए करते हैं। पहला प्रश्न है किस समूह के दोनों खेल घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं। घर के अंदर खेले जाने के इंडोर खेल कौन कौन से हैं? सांप सीढ़ी और चेस। सांप सीढ़ी भी हम घर में बैठे खेल सकते हैं और चेस भी। उत्तर तो यही सही है। आगे देख लेते हैं। बैडमिंटन बाहर ग्राउंड में खेलते हैं, लूडो घर में खेल सकते हैं, पर उसने दोनों के बारे में कहा, ये सही नहीं होगा। गिल्ली डंडा और क्रिकेट दोनों ही ग्राउंड में खेलते हैं बाहर। खो खो और हॉकी भी बाहर ही खेलते हैं। तो दो खेल ऐसे हैं जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं, वो हमारे हैं सांप सीढ़ी और चेस। ये उत्तर सही जाएगा। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो ये होगा। दूसरा देखते हैं। निम्न में से किस ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। वो कह रहा है पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। मिट्टी का तेल, उससे तो होगा भाई, ठीक है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो सूर्य की ऊर्जा, जैसे आजकल बिजली के लिए घर में लगाते हैं सौर पैनल लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो सौर ऊर्जा है इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। कोयला होगा, इससे धुआं निकलता है, और लकड़ी भी है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से नहीं होता। हमें बताना है यह जीव जंतु रेंग कर चलते हैं। यह जीव जंतु रेंग कर चलते हैं। केंचुआ चलता है, ठीक है, पर तोता नहीं चलता, वो तो उड़ता है। मगरमच्छ चलता है, खरगोश नहीं चलता। छिपकली और सांप दोनों चलते हैं, ये सही उत्तर है। मधुमक्खी और चींटी, मधुमक्खी उड़ती है। तो सही उत्तर तो पता लग ही गया हमें। जो हमारा सही उत्तर है वो है सांप और छिपकली, ये सही उत्तर चला जाएगा। अगला चौथा, यदि आप उगते सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हों, मुंह उस तरफ करना है सूरज की तरफ जब सूरज निकल रहा हो सवेरे, तो आपके पीछे कौन सी दिशा होगी। हमारे पीछे तो वही दिशा होगी जहाँ सूरज छिपेगा, और सूरज कहाँ छिपता है, पश्चिम में। अगर हमारा मुंह पूर्व की ओर है तो हमारी जो पीठ है वो कहाँ होगी, पश्चिम की ओर। अगला देखते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने के संदर्भ में सही क्रम पता चलता है। पहले मिट्टी गूंथते हैं, ये ठीक है। फिर मिट्टी गूंथने पर चाक पर बर्तन बनाएंगे, ये भी ठीक है। बर्तन को धूप में सुखाएंगे, ये भी ठीक है। सूखने पर बर्तन चित्रकारी करेंगे, ये तो पहला ही ठीक है। दूसरा, इसलिए बर्तन चाक पर बर्तन बनाना मिट्टी, ये तो पहला ही गलत हो गया। थोड़ी ना पहले हम धूप में बर्तन ले, बर्तन सबसे बाद में सुखाएंगे। बर्तन पर चित्रकारी करना, चाक पर बर्तन, ना ये भी गलत है। तो सही उत्तर क्या है हमारा वो देख लेते हैं। सही उत्तर है ये, ये उत्तर सही है। अगला है, जिस परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, उनके बच्चे मिलकर रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। कैसा परिवार कहते हैं भाई, संयुक्त परिवार। मेरे परिवार में मैं, मेरी बहन, मेरे माता पिता रहते हैं, मेरे परिवार को हम क्या कहेंगे। पता ही है, जिसमें केवल एक माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। कचरे में सबसे हानिकारक उत्तर है लकड़ी, नहीं लकड़ी गल जाती है, गत्ता भी नहीं होगा, अखबार भी नहीं, प्लास्टिक और पोलोथीन की थैलियाँ। क्या होगा, प्लास्टिक और पोलोथीन की थैलियाँ। तो ये सबसे खतरनाक होगा और हमारा उत्तर भी यही होगा। अगला देखते हैं। यह चित्र राज्य संबंधित है। चित्र को ध्यान से देखो भाई, थोड़ा सा साफ नहीं है पर दिख रहा है। इसमें ऊंट है और ऊंट के ऊपर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और पीछे शायद रेगिस्तान है, रेती है, तो ये राजस्थान का ही होगा क्योंकि ऊंट तो वहीं चलते हैं, ठीक है। अगला देखें। पुराने सामान का दोबारा प्रयोग करके प्रयोग का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। ये जो चित्र है ना, ये आपको साफ नज़र नहीं आ रहे हैं,
ये चित्र रॉक गार्डन चंडीगढ़ में बने हुए हैं और रॉक गार्डन पूरा का पूरा जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उससे बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर भी यही होगा। अब हमें अगले में क्या करना है भाई, चित्र को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मानचित्र को देखो और बताओ कि भारतीय सीमा के साथ लगते पड़ोसी देश कौन से हैं। आप देख रहे हो भारत की सीमा ये है, तो चीन लगता है, तिब्बत लगता है, नेपाल लगता है, और यहाँ भूटान लगता है, बांग्लादेश लगता है, म्यांमार लगता है, पाकिस्तान लगता है, थोड़ा सा ये शायद अफ़गानिस्तान अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, और ये बांग्लादेश श्रीलंका भी लगता है। तो अब देखते हैं इनमें से, श्रीलंका भूटान रूस नहीं है भाई, यहाँ पर चीन नेपाल भूटान, हाँ ये सही उत्तर है। पाकिस्तान ठीक है, अमेरिका नहीं है यहाँ पर, ये गलत है बीच में, और रूस रूस भी नहीं है, तो ऊपर देखा हमने गलत है, तो सही उत्तर ये जाएगा। इस दोबारा से देख लेते हैं इसको, ये उत्तर सही जाएगा, ये लगते हैं, तो ये है। अब अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये गुरुग्राम में है, और ये उत्तर हमारा सही है। खेतों में कुछ पौधे अनचाहे होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, वे पौधे कहलाते हैं। वैसे भी को पता है वो क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं, और अनाज को हम खुद से उगाते हैं, पशुओं के लिए घास वगैरह भी हम खुद उगाते हैं, और फसल को भी खुद ही बोते हैं, तो खरपतवार अपने आप से उगता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है सभी जानते हैं, उसी प्रकार हरियाणा का राज्य पक्षी हमने पता है काला तित्तर है। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? काला तित्तर है। ये निम्न में से कौन सा फूल झाड़ियों पर लगता है तथा गुलकंद, इस शब्द से आपको पता लग ही गया होगा, गुलकंद, गुलकंद तो गुलाब से बनता है ना, तो वैसे भी यहाँ ये गेंदे का फूल है, ये झाड़ी पे नहीं लगता, गुलाब का फूल ही झाड़ी पे लगता है, कमल का फूल पानी में होता है, और सूरजमुखी फसल है, ठीक है, तो ये जो गुलाब का फूल है यही झाड़ी पे लगता है, और यही सही उत्तर है। माणिक प्रतिदिन योग करता है तथा खेल भी खेलता है, तो उसका शरीर क्या होगा, जो खेलता भी है योग भी करता है उसका शरीर क्या होगा, मजबूत भी होगा, स्वस्थ भी होगा, थका हुआ तो नहीं सकता, वो कमज़ोर कहाँ होगा, ना बीमार होगा, तो ये सही उत्तर है, स्वस्थ होगा, क्या होगा वो, स्वस्थ, वो स्वस्थ होगा, यही सही उत्तर है। अगला, मच्छर काटने पर आपको दर्द हुआ, किस ज्ञानेंद्री ने आपको यह अनुभव कराया? त्वचा नहीं कराया, त्वचा पर ही काटता है, नाक से खुशबू आती है, जीभ से स्वाद देखते हैं, कान से हमें आवाज़ सुनाई देती है, तो त्वचा ही है जो बताएगी दर्द के बारे में। विहान की कमीज कपड़े से बनी है, ठीक, कपड़ा धागे से बना है, ये भी ठीक है। अब बताओ धागा किससे बना है, सरसों से नहीं, सरसों से तेल बनता है, कपास ठीक है, कपास रुई को बोलते हैं, उड़द से दाल है तो गन्ने से गुड़ बनता है, तो सही उत्तर क्या है आपका, कपास, ये उत्तर सही है, कपास से धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है। पौधों द्वारा भोजन बनाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है, हमें बताना है कौन सी गैस है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो पौधे छोड़ते हैं, नाइट्रोजन भी नहीं, अमोनिया भी नहीं, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सही उत्तर है। और ये जो प्रश्न है ये तो हमारे अपने ही जिले का है, हथनी कुंड बैराज बांध हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, यह डैश नदी पर बनाया गया है, तो हमारे जो जिला यमुनानगर है वैसे भी ये किस नाम से बना है, यमुना नदी के नाम से बना है, तो ये जो है बांध भी यमुना नदी पर ही है। निम्न में से कौन सा एक सामूहिक भोज का उदाहरण है, सामूहिक भोज वो होता है जब सभी लोग मिलजुल कर एक जगह
बैठकर या इकट्ठे होकर भोजन खाते हैं, जिससे आपसी सहयोग मेलजोल की भावना बढ़ती है। तो होटल में नहीं भाई, भंडारे में। हाँ, भंडारा जब होता है ना, तो तब हम मिलजुल कर खाना खाते हैं, उससे हमारा सहयोग भी बढ़ता है, मेलजोल भी बढ़ता है। तो उत्तर तो यही सही है। अगला है, निम्न में से किस पेड़ की टहनियों से जड़ें, वायवीय जड़ें निकलती हैं? तो पहला बरगद का पेड़ ही है, और जड़ें यहाँ देखो लटक रही हैं, नज़र आ रही हैं हल्की हल्की। तो सही उत्तर यही है, ठीक है, और ये हमारे उत्तर नहीं होंगे। आगे देखते हैं भाई, सफाई का फरिश्ता डैश पक्षी को कहते हैं। भाई आपने गिद्ध के बारे में सुना हो कभी? गिद्ध ऐसा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाता है, और मरे हुए जानवरों से बहुत बदबू फैलती है, तो ये उनको खाता है, तो ये सफाई का फरिश्ता कहा जाता है। कोयल तो मीठे बोल बोलती है, तोता तो ठीक है फल वगैरह खाता है, और कौवा भी नहीं। तो इसमें से गिद्ध सही उत्तर जाएगा, जो आपका उत्तर है वो गिद्ध होगा। निम्न में से कौन से पक्षी पानी में रहते हैं? मोर तीतर नहीं, तोता कौवा नहीं, गौरैया शक्करखोरा नहीं, बत्तख और बगुला रहते हैं। ठीक है, मैं मांस खाता हूँ, मेरे सामने के दो दांत पैने और नुकीले हैं, जिनसे मैं मांस चीरता हूँ, पहचानो मैं कौन हूँ। भाई मांस भी खाता है और दांत उसके पैने और नुकीले भी हैं, तो कौन है? आज तो पहले नंबर पे आ गए, शेर जी महाराज हैं। शेर है, हिरण तो घास खाती है, हाथी भी घास खाता है, पत्ते खाता है, और खरगोश तो मूली गाजर खाता है। आगे देखते हैं, इनमें से बेमेल जोड़े को छांटिए, जो बेमेल है जिसका मेल नहीं है। तो नींबू खट्टा होता है, ये ठीक है, मिर्च तिक्खी होती है, पत्थर नरम कहाँ हो जाएगा, पत्थर तो बहुत सख्त होता है, ये उत्तर सही है, फूल से खुशबू आती है, ठीक है। अनजान व्यक्ति द्वारा आपके निजी अंगों को छूना, भई ये हम बहुत बार बात करते हैं ना, गुड टच बैड टच की, तो ये क्या है आपका? अच्छा स्पर्श नहीं, ये उत्तर सही है, बुरा स्पर्श मानते हैं, और इसके बारे में अपने माँ बाप को या अपने शिक्षक को जरूर 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 बताना चाहिए। खो खो के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप खेलते ही हो, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, निम्न में से गलने वाले कचरे के उदाहरण हैं, जो कचरा गल जाता है। यहाँ देखते हैं, केले के छिलके गल जाएंगे पर पॉलीथीन नहीं गलती, लोहे के टुकड़े नहीं गलेंगे, टूटा कांच भी नहीं गलेगा, सूखे पत्ते सब्जी के छिलके हाँ दोनों गल जाएंगे, ये उत्तर सही है। प्लास्टिक पॉलीथीन ये तो कभी भी नहीं गलती, इस पर तो वैसे भी आजकल बैन लगा हुआ है ना, तो सही उत्तर ये है हमारा, ये वाला। तो इसको दोबारा ठीक से कर देते हैं, ये उत्तर है, ये हमारा सही उत्तर है। आगे, समुद्र के खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। समुद्र है, पानी खारा है, तो खारे पानी से खारी चीज़ मिलेगी, चीनी मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है, तो नमक ही बनेगा ना, नमक ही खारा होता है, बर्फ़ तो बनेगी नहीं। और सरसों तिल मूंगफली, ये सब किसके उदाहरण हैं? तिलहन के हैं, क्योंकि इनसे तेल निकलता है, तो तिलहन है। अनाज होते हैं जैसे गेहूं, चावल, बाजरा ऐसे, और दालें तो पता ही है, ठीक है, उड़द, मसरी और मसाले, ठीक है, जीरा, धनिया, काली मिर्ची होते हैं। तो सही उत्तर ये है हमारा। मुगल गार्डन दिल्ली के डैश में है, तो मुगल गार्डन है वही राष्ट्रपति भवन में। गीले कपड़े हवा धूप में सूख जाते हैं, यानी इन कपड़ों का सारा पानी उड़ जाता है, इस प्रकार से पानी का उड़ना कहलाता है वाष्पीकरण। संघनन होता है जब पानी उसमें, जब वाष्प पानी में बदलता है। उड़ाना अलग है, मेघीकरण होता है बादलों का छाना। पेड़ों को काटने से पहले कौन से विभाग से मंजूरी लेंगे? भाई पेड़ देखो किस विभाग के अंदर आते हैं, जल विभाग ना,
वो तो पानी की व्यवस्था करता है, शक्ति विभाग वो तो बिजली वगैरह जो भी है, शिक्षा विभाग हमारा है वो तो पढ़ाई से संबंधित है ना, तो वन विभाग है वही, सारे वन जो हैं जो पेड़ हैं इस विभाग के अंडर आते हैं, तो हमें मंजूरी भी इससे ही लेनी पड़ेगी। सही उत्तर यही जाएगा। अब ये है, सीमा अपने लिए फलों का सलाद तैयार करना चाहती है, इनमें से कौन सा क्रम सही रहेगा? सलाद ये तो पता ही है, फल काटना, फल धोना, भाई गलत हो गया, काट के थोड़ी धोएंगे, फल धोना, फल काटना, नमक डालना, हाँ ये भी ठीक है भाई, अपने हाथ, अच्छा हाँ ये जरा ठीक है, अपने हाथ धोना, फल धोना, फल काटना, नमक डालना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये ज़्यादा ठीक है क्योंकि पहले तो हमें अपने हाथ ही धोने पड़ेंगे ना, पता लगा हमने फल को तो धो लिया और हाथ हमारे गंदे हैं तब तो बीमारी फैलेगी, तो सही उत्तर तो यही जाएगा, नमक लगाना, फल काटना, नमक किसको लगाएंगे ना, ये तो है नहीं, तो सही उत्तर क्या है, ये वाला, ये सही उत्तर, बहुत बढ़िया उत्तर है। और इसका जो अंतिम है वो ये है, निम्न में से कौन सा पेड़ तूफान में नहीं गिरेगा? देखते भी कौन सा नहीं गिरेगा, मोटे तने तथा गहरी जड़ों वाला, ठीक बात है, मोटा तना होएगा और उसकी जड़ें मिट्टी में गहरी होनी चाहिए तो वो नहीं गिरेगा, उत्तर सही यही है, पतले तने वाला भाई जल्दी गिर सकता है, सूखी जड़ों वाला वो तो पक्का गिरेगा, मोटे तने कम गहरी जड़ों वाला ना ये भी गिरेगा, वजन ज़्यादा हो जाएगा ना, मोटे तने में सूखी जड़ों वाला ना, ये तो गलत है, सही उत्तर तो यही है, इसको दोबारा से देख लेते हैं, सही उत्तर ये है, जिसका तना मोटा होगा जड़ें गहरी होंगे वो